इनको इसके ऊपर ऐसे ये कट कर देंगे, ये कटिंग हो जाए लगाना है, ये वाइट आया है, ये देखिए हमारा इस तरह। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बनाएंगे ये डिजाइन। इस डिजाइन से आप कुछ भी अपनी इमेजिनेशन से बना सकते हैं। डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। डिजाइन बनाने के लिए कपड़े की मैंने कटिंग कर ली है। यहाँ पर हमें लंबी लंबी स्ट्रिप्स कट करनी है, जितना कपड़े का अर्ज होता है उतनी स्ट्रिप्स कट करनी है लंबे में, और चौड़े में लेनी है यहाँ से 2.5 इंच, 2.5 इंच लेनी है चौड़े में। तो ये मैंने, ये दो कलर हैं और ये एक वाइट कलर है, इन स्ट्रिप्स को सेट करना है। तो लंबे में मैंने यहाँ से ज़्यादा लंबे में ली है, क्योंकि कट करके हमारी ये स्ट्रिप्स लगेंगी। तो ये दोनों कलर हैं प्रिंट में, इनको इस तरह से रख लेना है, और इसके सेंटर में ये वाइट कलर की स्ट्रिप्स रख देनी है। तीनों स्ट्रिप्स हमारी सेम है, 2.5 इंच की, इस तरह रखना है और इसी तरह इनको सिल देना है। इसके बाद और तीन स्ट्रिप्स सिलनी है। तो इसमें हमें ये कपड़ा लेना है, इसे इस तरह से रखना है, और इसके साइडों में वाइट स्ट्रिप्स रखनी है। ये एक वाइट रखी है और ये दूसरी रखी है, इनको इसी तरह सिल देना है जैसे रखे हैं, और ये इसी तरह सिलेंगे। यहाँ पर ये स्ट्रिप्स मैंने सिल दी है, जैसे ये मैंने रखी थी और यहाँ पर वाइट कलर की रखी थी, ये इस तरह से सिल दी है, और ये है इसके आसपास में दोनों वाइट रखी हैं। अब यहाँ पर हमें प्रेस कर लेनी है अच्छे से, जिससे सारी सिलाई हमारी एकदम अच्छे से बैठ जाएंगी। ये भी इसी तरह प्रेस कर लेंगे। अब ये स्ट्रिप्स हमें इसी तरह रखनी है, और ये स्ट्रिप्स हैं इनको इसके ऊपर ऐसे रखना है। तो इस तरह से रखना है, एकदम बराबर आए हमारा यहाँ से, ये सिलाइयों पर सिलाइयाँ एकदम बराबर आएंगी। ये तभी बराबर आएंगी जब हमारी कटिंग बराबर होगी। इस तरह रखना है। अब इनको यहाँ से सिलाई लगा देनी है, ये भी सिलाई लगा देंगे और ये भी सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। यहाँ से भी सिलाई लगा दी है और यहाँ से भी लगा दी है। ये कपड़ा इस तरह से पैक हो गया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। अब देखिए, सिलने के बाद जितना कपड़ा यहाँ पर आया है, जैसे ये सिलाई लगी है, यहाँ से पकड़ेंगे और ये सिलाई है, तो यहाँ पे हमारा 6 इंच आ रहा है। अब जितना भी यहाँ पर आएगा उतना ही हमें यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे, इस साइड में भी 6 इंच पे निशान लगाना है। ये निशान है, दोनों को मिला के सीधा कर लेंगे। अब ये सीधा कर लिया है। अब ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर, यहाँ से हमें ये लाइन लगा देनी है, इस तरह से लाइन लगा देंगे। अब यहाँ से हमने 6 इंच लिया है, इसके बाद भी हमें 6 इंच लेना है। यहाँ से 6 इंच पे निशान लगाएंगे, और ये 6 इंच है, और ये हमारा यहाँ पर है एक निशान, इसके साथ इसको मिला देना है। अब ये वी शेप में बन गया है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है, जैसे यहाँ से ये कट कर देंगे और ये साइड है, यहाँ से ये कटिंग हो जाएगी। ये पीस बन गया है। अब यहाँ पर हमारी ये शेप बन गई है। इस पीस को हमें इस तरह से टर्न करना है, यहाँ पर ऐसे रख लेना है बराबर करके, यहाँ पर भी बराबर करके ऐसे रख लेंगे, एकदम बराबर आना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये दो पीस बन गए हैं। इसके बाद ये अगला पीस है, इसे फिर से हमें इस तरह टर्न करके रखना है, ये एकदम बराबर रखना है यहाँ पर, क्योंकि बाद में हमारे पीसे जोड़ने हैं। यहाँ से बराबर रख दिया है और यहाँ से कटिंग कर लेनी है। इसी तरह आगे आगे कट करते जाना है, इसीलिए हमने ये लंबी स्ट्रिप्स ली थी। अब ये आगे का है, इस तरह से ये पार्ट रखना है और आगे के पीसेस भी इसी तरह कट कर लेंगे। अब देखिए, ये मैंने कटिंग कर दी है, 4 पीस बन गए हैं, इस तरह से बने हैं। अब ये पीस ऐसे रखेंगे जैसे रखा हुआ है, इस तरह से पहले प्रेस कर लेनी है, फिर कपड़े को ऐसे टर्न करेंगे और यहाँ पर इस तरह से प्रेस कर लेनी है अच्छे से। यहाँ पर प्रेस कर दी है। प्रेस करने के बाद ऐसे ये थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से निकल आता है कॉर्नर का, इसे कट कर लेना है। ये एक कॉर्नर बना है, ये एक पीस बना है, इसी तरह ये बाकी के पीस हैं, इनको भी इसी तरह कट करके रेडी करेंगे।
अब देखिए ये एक पीस इस तरह बना है, दूसरा ये दोनों सेम इस तरह से बने हैं और ये दोनों इस तरह से बने हैं। चार पीस हो गए हैं, अब इनको ज्वाइन करेंगे। तो जैसे ये पीस है, यहाँ पर हमारा ये वाइट कलर आया है, इसको सेंटर में रखेंगे। इसका भी ये वाइट कलर सेंटर में रखेंगे। देखिए दोनों ऐसे रख दिए हैं, तो ये हमारा इस तरह से ये डिज़ाइन बन गया है। अब अगला पीस भी इसी तरह लगाना है। ये वाइट आया है, ये वाइट ही हमें यहाँ पर लगा देना है, तो ये इस तरह से बन जाएगा। और फिर से ये वाइट कॉर्नर आया है यहाँ पर, ये इस तरह से ऐसे बन जाएगा। ये देखिए हमारा इस तरह से पूरा डिज़ाइन बन गया है। अब जिस तरह से पीसीस रखे हैं उसी तरह हमें इनको सिल लेना है। ये पीस इसके साथ सिलेंगे, यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और ये यहाँ पर लगा देंगे। दोनों पीस यहाँ से सिल दिए हैं, यहाँ पर प्रेस कर लेंगे। इसके बाद ये पीस दोनों सिलने हैं, ये कॉर्नर्स हैं, इनका ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई भी लग गई है, अब यहाँ पर हमें प्रेस कर लेनी है अच्छे से कि सिलाइयाँ एकदम अच्छे से बैठ जाएं। ये डिज़ाइन बनाएं तो जब भी हम सिलाई करेंगे तो हमें प्रेस लगा करनी ही है, क्योंकि प्रेस करने से सारी सिलाइयाँ एकदम अच्छे से बैठ जाती हैं, अच्छी फिनिशिंग भी आती है। ये पीस हमारा बन के रेडी हो गया है। तो इतने मेजरमेंट में बना है ये 16.5 इंच 16.5 इंचेस, इस साइड से भी 16.5 इंचेस है। 15x15 का इसका हमारा कुशन कवर बन जाएगा। अगर आपको जैसे इसका टेबल कवर बनाना है या आपको बेडशीट बनानी है, तो इस तरह के हमें बहुत सारे ब्लॉक बना लेने हैं और आगे आगे ज्वाइन करते जाना है। अब देखिए ये वाइट वाले जो मैंने यहाँ पर लगाए थे, यहाँ पर ये बना है हमारा। अब एक साइड में हमारा ये अलग अलग कलर का आया है, तो इस साइड में ये आया है। जब हम दूसरा पीस यहाँ जोड़ेंगे और नीचे जोड़ेंगे, तो हमारा ये ब्लॉक यहाँ बनता जाएगा और ऊपर वाला वहाँ बनेगा। पूरा डिज़ाइन इसी तरह बनता जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरह से पूरा डिज़ाइन बनता जाएगा। बेडशीट बनानी है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। बेडशीट बनानी है तो इस तरह के बहुत सारे ब्लॉक बना लेने हैं और आगे आगे ज्वाइन करते जाना है। बहुत ही प्यारी हमारी एक बेडशीट बन के रेडी हो जाएगी। इस डिज़ाइन से आप कुछ भी अपनी इमेजिनेशन से बना सकते हैं। इसका जैसे डबल कर लेंगे इसको, तो इसका हमारा पिल्लो कवर बन जाएगा। इसका हम फ्लोर मैट भी बना सकते हैं, डोर मैट भी बना सकते हैं, कुछ भी आप अपनी इमेजिनेशन से बना सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी तरह के नए वीडियो के साथ।